हेलो जी, हम पहुंच गए थे कजाकिस्तान और हमारी सिल्क रोड मोटरसाइकिल ट्रिप के लिए सबसे ज़रूरी थी एक मोटरसाइकिल। किसी और देश में टूरिस्ट वीज़ा पे मोटरसाइकिल खरीदना काफ़ी मुश्किल है और कजाकिस्तान में मोटरसाइकिल खरीदने की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इंटरनेट पे। मगर क्योंकि किर्गिस्तान एम्बेसी ने हमारा वीज़ा गलत तारीख का दे दिया तो हमारे पास कुछ फ्री दिन थे, तो हम निकल गए अलमाती में मोटरसाइकिल की दुकानें ढूंढने। एक रशियन ओन दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल खरीदना पॉसिबल तो है मगर उसके लिए कुछ अड़चनें थीं जो हम देखेंगे इस एपिसोड में। दिस इज इट। हेलो जी, सलामत सिजवा। आज हम हैं अलमाती के किसी दूर दराज लोकेलिटी में और ये है मोटरसाइकिल की दुकान। तो कल हम यहाँ पे मोटरसाइकिल देखने आए थे तो फाइनली आई थिंक मोटरसाइकिल वाला सॉर्ट हो जाएगा। सो अपेरेंटली फॉरनर्स कैन नॉट बाय अ मोटरसाइकिल इन कजाकिस्तान, सो अभी तक यही पता था मैं। बट कल हम मोटरसाइकिल स्टोर आए, इन्होंने कहा कि कुछ जुगाड़ हो जाएगा और हम मोटरसाइकिल इशू कर देंगे, बट इट विल टेक 2 वीक्स फॉर अ न्यू मोटरसाइकिल। बट इनके पास एक मोटरसाइकिल थी जो 200 ही किलोमीटर चली थी, उसका नंबर आया था तो उन्होंने कहा वो 2 दिन में प्रोसेस हो सकती है। बट अभी प्रॉब्लम है कि अगर आपको अपने नाम पे डॉक्यूमेंटेशन कराना है तो आपको यहाँ पे लोकल कास्पी अकाउंट चाहिए विच इज़ लाइक अ UPI, बट वो तो है नहीं हमारे पास क्योंकि हम टूरिस्ट हैं। तो हमको यहाँ पे काउच सर्फिंग से एक नीरज भाई मिले थे। नीरज भाई हरियाणा से ही हैं और कजाकिस्तान में 5 साल से रह रहे हैं, तो उनका कास्पी अकाउंट था। सो उन्होंने बोला कि मेरे नाम पे इशू करवा दो एंड मैं एक पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर दूंगा। तो मैं जब साउथ अमेरिका में था तो मैंने पूरा, मेरे नाम पे बाइक नहीं थी, पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही किया था। पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर मोटरसाइकिल या कार आपके नाम पे नहीं है तो आप ओनर से एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले सकते हैं जो बेसिकली एक लेटर है जिसमें लिखा होगा कि फलाना ढिकाना ओनर फलाना ढिकाना राइडर को अलाउ करता है मोटरसाइकिल चलाने के लिए। इसमें आप जिन जिन देशों में मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं वो मेंशन करने होंगे और नोटरी से नोटराइज कराना होगा। क्योंकि नीरज भाई हैं, नीरज भाई इंडिया से ही हैं, बाद में जब बाइक बेचनी भी होगी या फिर कजाकिस्तान में अगर बाइक पार्क भी करनी है तो नीरज भाई के नाम पे होगी तो इजी रहेगा। तो मोटरसाइकिल है 1,90,000 रुपये की, बट प्रॉब्लम इज़ कि इनको कैश चाहिए। तो मैंने अपने छोटे भाई और अपने कार्ड से कैश निकाला तो मैक्सिमम आई थिंक आप एक कार्ड से 60,000 विड्रॉ कर सकते हो। तो 1,20,000 विड्रॉ कर लिए, बाकी $1,000 पड़े हुए हैं तो $1,000 दे देंगे इन्हें। नीरज भाई वूश पे आए हैं स्कूटर पे। हेलो नीरज भाई। हेलो, कैसे? तो ये वैसे तो ये कजाकिस्तान में इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया है और सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हैं, बट फ्री टाइम में ये हम जैसे मुसाफिरों की मदद करते हैं मोटरसाइकिल खरीदने में। नहीं नहीं नहीं, फ्री टाइम में नहीं है, मैं हमेशा मदद करता हूँ क्योंकि पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो मेरे लिए भी सब कुछ ऐसे ही था, ना लैंग्वेज आती थी ना जगह का पता था, मेरी भी किसी ने हेल्प की थी। आई एम जस्ट रिटर्निंग दैट फेवर। बहुत सारे पैसे दे दिए हमने गड्डी भर भर के। तो ये पुरानी जो RC है वो दे दी इसने हमें। अब हमें जाना है यहाँ पे, एक सोन नाम की जगह होती है। वाम नंबर ये वो स्किनो दा नंबर ना दा बुत इस मैच कम स्कर्जू पुस्त। हरोश, तो वो RTO ऑफिस होता है उस तरह की जगह है, वहाँ पे हमें जाके ये देना है और अपने नाम करा लेनी है, तो अपने नाम की RC वो हमें दे देंगे, फिर हम बाइक राइड कर सकते हैं। ये कहाँ जा रही है? ये करेंगे ना इसका चेकअप वेकअप, नट बोल्ट टाइट। तो ये पुरानी वाली नंबर प्लेट दे दी इन्होंने हमें, और वहाँ जाके जब हमारे नाम हो जाएगी बाइक तो हमें नया नंबर मिलेगा, ये नहीं रहेगा। अच्छा, नया नंबर? हाँ, हमारे यहाँ नंबर वही रह जाता है ना, यहाँ पे नंबर नया मिलेगा और अभी मिलेगा, वो लगा के ही हम अपने नाम से राइड कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, टैक्सी से 40 मिनट लगेंगे, करा के ले आते हैं। कूल। सो वी आर इन सोन ऑफिस जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा और बाइक के पुराने ओनर आ गए, तो अब बाइक का ट्रांसफर नीरज के नाम पे होगा। आई थिंक माइक पे वाली बातें आ रही होंगी। ऑन माय ड्रो। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हमारी पेमेंट हो गई है। हाँ। इस जो प्लेट मिलेगी उसकी। हाँ। और जो नंबर ट्रांसफर होगा उसका, वहाँ पे नंबर चल रहा है अभी 158। हाँ। हमारा 186। ओके। तब काम होगा। क्रेजी प्रोडक्ट इनोवेशन, इसका ओपनर इसी के नीचे है, मतलब इससे इसको ओपन नहीं कर सकते। इस दिस यू कैन ओपन द अदर बॉटल विद दिस। ये रिव्यू दिस वाओ, क्या कह रही है? इसलिए ब्रा वो कह रहे दोनों की भीड़ है, तुम भाई हो क्या? अरे नहीं दोस्त है। 0186 0185 आ गया है, एक और बचा है, उसके बाद बाइक हमारी। पिका के तो देने गया जब प्लेट लूजे
деньги можно вернуть, не проблема. तो थोड़ी सी तो गड़बड़ हो गई है, तो वहाँ पे बहुत देर इंतज़ार किया और जब टोकन नंबर आया तो उन्होंने बताया कि रेसिडेंट होना ज़रूरी है टू बाय अ बाइक इन कजाकिस्तान, यू नीड अ रेसिडेंट कार्ड, जो हमको पता था वैसे, बट हमको बाइक वालों ने बताया कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल। सो अपडेट ऑन आर सिचुएशन, तो हम वहाँ पे आरटीओ गए थे तो आरटीओ ने तो मना कर दिया काफ़ी देर वेट करा के। तो अभी नया सिचुएशन ये है कि नीरज भाई हमारे पीछे खड़े हैं, इनके जान पहचान के हैं अब्दुल भाई, जो सिल्वर स्पून के ओनर है, विच इज़ एन इंडियन रेस्टोरेंट। तो फिर मैंने अब्दुल भाई से बात की है कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, भाई को चाहिए ही चाहिए बाइक, क्योंकि इसीलिए तो ये आए हैं, जिंदगी का मकसद जैसा कि हमने पहले बताया है। तो उन्होंने एग्री किया, अब उनके नाम पे ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड है, सिटीजनशिप है, सब कुछ है, तो उनके नाम पे ऑनलाइन हो जाएगा। बट अभी कहाँ अटके हुए हैं हम, वो कास्पी वाला, अभी हम, हाँ कास्पी है, उसी के थ्रू होता है ना ये ट्रांसफर। तो यहाँ पे बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड बैंक का UPI टाइप है, हाँ। जिस कास्पी, तो उसमें क्या है, सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन के सारे काम कर देते हैं वो, लाइक ई मित्र या कस्टमर सर्विस सेंटर अपने यहाँ। तो हमारी जो पहले कास्पी की एप्लीकेशन थी वो नीरज के नाम पे थी, बट जब तक वो कैंसिल नहीं होगी नई एप्लीकेशन नहीं चालू होगी है, और वो अटक गई है बिकॉज टेक्नोलॉजी, तो उसमें लगे हुए हम, टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा एडवांस है इनकी, तो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं। बट आज का सबसे बड़ा हाईलाइट आई थिंक होगा, हमें बहुत दिनों बाद चाय पीने को मिलेगी, हाँ प्रॉपर दूध वाली जो इंडियन चाय होती है वो, वो और कहीं नहीं मिलती अलमाटी में, सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स में ही मिलेगी, और मैं भाई को वहीं ले आया हूँ। तो चलिए चाय आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 10 डेज इन कजाकिस्तान एंड आफ्टर गेटिंग आवर बाइक रिजर्वेशन रिजेक्टेड। सही है, चाय जैसी चाय है बट मैं ज़्यादा बढ़िया बनाता हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, डे 3 ऑफ ट्राइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल इन कजाकिस्तान, और हम वापस सिल्वर स्पून जा रहे हैं। सो कल क्या हुआ था, कल वो कैस्पी वाले पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो कुछ हो नहीं पाया, तो आज शायद पोर्टल चल रहा है। तो अभी क्या है कि जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं अब्दुल भाई वो आ रहे हैं, और नीरज ऑलरेडी है, और आज है हमारे साथ कुछ भी शर्मा, और हम खाएंगे आज आई थिंक लाइफ में तीसरी बार इंडिया के बाहर एक इंडियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो अब्दुल भाई का है, सो बनता है इतना। तो डे 3 ऑफ ट्राइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल इन कजाकिस्तान, वी आर हंटिंग एक्चुअली। तो हम हैं सिल्वर स्पून में, और मेन्यू देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है और कितने का है। सूप है 1200-1600, यानी कि 240-300 रुपए, विच इज़ फेयर इनफ रेट, मोती महल टाइप। समोसा चाट मिल रही है 1800 की, विच इज़ 350 रुपए। दही कबाब मिल रहे हैं 2800 के, दही कबाब एक्सपेंसिव हैं, 550 रुपए के। बिरयानी मिल रही है हमारी 650 रुपए की, चूर चूर नान 140 रुपए की, बटर नान 100 रुपए की। सही है, बटर नान तो अपने यहाँ 100 रुपए से ज़्यादा की है गुड़गांव में, तो गुड़गांव ने इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि अब महंगा नहीं लगता मैं बाहर जाके भी। मैंने टाटा का ग्रुप आया था 650 लोग, और फिर स्पाइसी कुजीन अपना ही मिलता है। कैसा लग रहा है इंडियन खाना खा के इतने दिनों बाद, सवाल पूरा भी नहीं होने दूंगा मैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बेला जा रहा है यहाँ पे, चिकन करी बेली जा रही है काफ़ी टाइम बाद, टेस्ट बड्स जेनरेट हो गए, फट के फ्लावर हुए हैं। तो बढ़िया भोजन हो गया है, और इतने बढ़िया ओनर हैं, और इतने बढ़िया हमारे नीरज भाई हैं, एक तो मोटरसाइकिल भी दिला रहे हैं, ऊपर से फ्री में खाना भी खिला रहे हैं, एवरीथिंग ऑन द हाउस। अब हम कहाँ जा रहे हैं, वही सोन, सोन जाएंगे वापस, सोन जो यहाँ का आरटीओ है वापस वहाँ जाएंगे, आज हम ईशू को भी ले जाएंगे वहाँ का बैंक्वेट हॉल दिखाने। बंदूक का लाइसेंस। हेलो जी, सलामत सिज़बा, और आज हमें कजाकिस्तान के आरटीओ में, डे 3 ऑफ बाइंग ए मोटरसाइकिल, और हम वापस आए हैं आरटीओ में। हमने क्या लिया, टोकन ले लिया, कल 186 था, आज 207 है, देखते हैं क्या 207 लकी नंबर रहेगा। बेसिकली इट्स पॉसिबल, या मेंशनिंग 3-4 कंट्रीज, and he can go without any problem, he has visas, he has international driving license, and he will have power of attorney, that's it, yeah, insurance also, so we don't need anything else. Cool, thank you. To sari kainat ek sath jud gayi hai, Abdul bhai, wo bhai ka naam bhul gaya, Leonardo DiCaprio jaisa jo dikhta hai, aur Neeraj bhai, aur hamare chote bhai, aur hum. अभी ये सीन है कि उस बंदे से अब्दुल भाई के नाम पे उतर गई है बाइक,
और अभी वो नंबर प्रिंट करके देंगे तो उसके लिए हमने पेमेंट कर दी। ओके, तो वो जो कार्ड बनेगा आरसी और जो नंबर प्लेट वो यहाँ वापस से देंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे ये। ओके, तो वो मैं करवाता हूँ, आप करो ऑडियंस से बात। तो सही है, कुछ आई थिंक 2500 रुपये लगे नंबर प्लेट के और नाम रजिस्ट्रेशन के। तो अब फ्रॉम लियोनार्डो डी कैप्रियो टू हमारे अब्दुल भाई जो आशुतोष गोवारिकर जैसे दिखते हैं, उनके नाम पे बाइक हो गई है, तो वो बिना लगान मांगे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे कि हम कजाकिस्तान और अराउंड कजाकिस्तान मोटरसाइकिल चला सकें। तो सही है, आई थिंक लाइफ इज इंजॉय। जब लगा कि सब कुछ हो गया था, कजाकिस्तान के आरटीओ ने गलती से मिस्टेक कर दी और मोटरसाइकिल नंबर की जगह कार का नंबर दे दिया। तो ये तो काफी गड़बड़ हो गई है, उन्होंने बाइक के नंबर की जगह कार का नंबर दे दिया है। हमने स्वाहा कर दिया, ये करे अभी रुको और आहुति बाकी है तुम्हारी। गाड़ी का नंबर होता है 3 डिजिट का और बाइक का 2 डिजिट का, उन्होंने 3 डिजिट का दे दिया, तो गलत नंबर दे दिया। तो गलती उन्हीं की है, वापस प्रोसेस होगा और कल फिर आना है हमें, और कल बेचारे अब्दुल भाई को भी फिर आना होगा जो अपना काम वाम छोड़ के आधा दिन इन्होंने आज खराब किया, कल भी हमारे साथ बैठे थे और अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना, अंदर से अच्छा ही लग रहा है क्योंकि इतने लोगों को, क्योंकि किसी और का कुछ काम नहीं है इसमें, सब अपना काम छोड़ के मेरे लिए, और ये भी शहर के बाहर है। हेलो जी, सलामत सिज़बा, डे 4 ऑफ ट्राइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल इन कजाकिस्तान। सुबह का बज रहा है 9 और आज सैटरडे है, बट थैंकफुली आरटीओ खुला हुआ है, तो अभी वेट कर रहे हैं अब्दुल भाई और नीरज का, वो मुझे पिक कर रहे हैं, फिर हम सब आरटीओ जाएंगे। तो मोस्टली आज सब कुछ हो जाना चाहिए, कल हमारी नंबर प्लेट गलत आ गई थी, तो आज उन्होंने सुबह बुलाया है कि बिना क्यू के आप सीधा आ जाना और हमसे नंबर प्लेट ले लेना और आरसी ले लेना। अब्दुल भाई आ गए, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू अगेन, रोज सुबह मैं आपको परेशान करता हूँ। सो वापस डे 4, हम आ गए हैं आरटीओ में, क्या लग रहा है आज? आज हो जाएगा। हाँ, तो वैसे तो सैटरडे को बंद होता है, बट आजकल काम इतना ज़्यादा है कि सैटरडे को भी इन्होंने खोल रखा है, संडे को तो बंद ही होता है, हमें तो कल जाना है, बट आई थिंक किस्मत साथ दे रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट साथ तो दे रही है। वापस अब्दुल जी हमारे लिए एफर्ट्स मारते हुए, नंबर तो आ गया हमारा मोटरसाइकिल का 17FJ02, आ गई नंबर प्लेट, आ गई, गलत आ गई क्या? इस बार सब सही है। यूहू, फाइनली 4 दिन की मेहनत के बाद, थैंक यू टू अब्दुल भाई एंड सुपर थैंक यू टू नीरज भाई। अभी एक और एक्टिविटी बची है, ये है अभय स्टेशन, तो कजाक लैंग्वेज में स्टेशन को बकैती बोलते हैं। अब हमारा अगला एक्टिविटी है फिगरिंग आउट हाउ टू गेट अ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो देखते हैं अभी सबसे पहले मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, नंबर प्लेट लगवाते हैं, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी फिगर आउट करते हैं, उसके बाद कुछ अगर सामान लेना है राइडिंग गियर, क्योंकि मैं तो बिना जैकेट के भी आ गया हूँ, किसी भी जैकेट के, तो ठंड तो हो गई है। बैक टू मोटरसाइकिल स्टोर, यहाँ से हमने मोटरसाइकिल लिया, पुराना घर है उसी के अंदर सब कुछ होता है। ओके, दिस इज इट फाइनली द मोटरसाइकिल, आई थिंक अभी बैटरी चार्ज नहीं है। ओके, सही है, हेलमेट भी आ गया साथ में, बट अभी बैटरी चार्ज नहीं है क्योंकि कुछ दिन से खड़ी हुई है, बट बाइक लग तो बढ़िया रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है, बाइक लगनी बढ़िया चाहिए। अब भैया मोटरसाइकिल तो मिल गई और बैटरी भी चार्ज हो गई, मगर दुकान से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो गई, चक्का जाम हो गया। तो मोटरसाइकिल तो सही नहीं लग रही है, मतलब अभी 1 किलोमीटर बाहर निकला था मैं और इसका रियर टायर जाम हो गया, आई थिंक कुछ गियर वेयर बॉक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब नई मोटरसाइकिल है, ऐसे 200 किलोमीटर चली है, पता नहीं क्या करके दिया इन्होंने, मतलब 1 किलोमीटर में चला, इसका पीछे वाला पहिया हिल भी नहीं रहा है, व्हाट द फक इज दिस। तो मोटरसाइकिल तो हमने खरीद ली है, मगर जैसे ही हम मोटरसाइकिल खरीद के निकले वहाँ स्टोर से, तो 1 किलोमीटर ही चले थे कि कुछ तो इशू आ गया, तो उसका ऐसा चक्का जाम हो रहा था, तो फिर वो वापस मैं किसी तरह स्टोर पे ले गया, तो उन्होंने वो फिक्स कर दी, उन्होंने अश्योरेंस तो दी है कि एक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट मेरा थोड़ा सा ऐसा मोटरसाइकिल में ख़राब किस्मत रही है पहले भी, और ऐसा खरीद के निकल के ही ख़राब हो गई, तो थोड़ा सा ऐसा वो कॉलिंग नहीं आ रही है, मगर आई विल गिव इट टाइम। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब यहाँ से किर्गिस्तान जाऊँगा मोटरसाइकिल लेके, उसके बाद 15 दिन बाद वापस मैं यहीं पर आऊँगा अलमाती,
अगर कोई इशू हुआ तो वापस आई विल गो टू द स्टोर और जो भी चीज़ है वो फिक्स कर लूँगा। तब तक क्या है कि मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा और पता चल जाएगा। अब क्या है कि वो अननोन सी कोई चाइनीज मोटरसाइकिल है, कुछ ऐसा नोन सी होती है कि पल्सर है या फिर मेरी ऐसे स्क्रैम्बलर है या फिर एनफील्ड है, तो फिर भी फिगर आउट कर लेते चीज़ें। अब वो चाइनीज़ बाइक में ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, तो अभी द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ इंश्योरेंस एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। सो पावर ऑफ अटॉर्नी का अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज सैटरडे है तो बंद हो गए हैं, तो कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं भाई अब्दुल भाई। अब्दुल भाई 18 साल से रहते हैं तो उनके बहुत जुगाड़ है। दूसरा इंश्योरेंस शुड बी सिंपल इनफ आई थिंक, वो तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो ये है हमारी मोटरसाइकिल। इसका वर्स्ट पार्ट आई थिंक यही है कि इसका नाम रेसर है। रेसर नाम की मोटरसाइकिल से तो मंगोलिया जाने का कभी सोचा नहीं था मैंने। हंस कह रहे हो। एक बार ना बचपन में 9th-10th क्लास में होऊंगा मैं, तो क्या होता है जब आप छोटे बच्चे होते हो तो मम्मी आपके कपड़े दिलाती हैं, है ना। फिर आप बड़े हो जाते हो, बट आप इतने बड़े नहीं होते आप खुद से जाके कपड़े ले लो, बट आपको पता आपको कूल कपड़े चाहिए। तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी ने बोला हम कपड़े लेने जा रहे हैं तुम्हारे लिए टी शर्ट ले आए। मैं कहा मम्मी ऐसी टी शर्ट लेके आना जिसमें ऐसे कुछ लिखा हो। उस समय ऐसे ही था, मतलब नया नया चलन आया था ऐसे कूल से ग्राफिक्स और फॉन्ट वॉन्ट में चीज़ें लिखने का, अब तो कॉमन हो गया। तो मम्मी टी शर्ट लेके आ गई और मैंने टी शर्ट पहनी तो वहाँ बड़ा बड़ा लिखा था रेसर। तो है मम्मी ये रेसर क्यों लिख के आ गया। उस समय मैं चलाते थे स्प्लेंडर। नीरज जी इज़ हियर। हेलो नीरज जी, मोटरसाइकिल इज़ हियर। रेसर नाम की मोटरसाइकिल खरीदी। मतलब इससे ज्यादा मतलब डा ऑलरेडी बड़ा होता है जी। वंडरडा जी, कितने की इंश्योरेंस हुई है? 20,000 देंगे, यानी कि 4,000 रुपए की एक साल की इंश्योरेंस हुई है। और हम तीनों के नाम पे हुई है, मेरे पे, आपके पे और अब्दुल भाई के। अच्छा, राइडर इंश्योरेंस होती है अभी? हाँ, और तीनों का उस एक में ही नाम लिख दिया, तो हम में से कोई भी राइड करे एक साल के लिए दोबारा नहीं करना। ओके, तो सिमिलर टू सिंगापुर, मतलब राइडर का नाम होना चाहिए इंश्योरेंस में, अपने यहाँ तो बस बाइक का इंश्योरेंस होता है। नोटेरिया नोटरी पहुँच गए हम पावर ऑफ अटॉर्नी कराने। कुछ खबर आई है ना आज कि कुछ कुछ हो रहा है वहाँ पे मिलिट्री, वो जो डॉक्यूमेंट है ना, जो बनेगा डॉक्यूमेंट ना, उसको हाँ, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यही कर देंगे। हाँ तो रशिया में कुछ कुछ चल रहा है ना मिलिट्री कूप, वो तो सुनने में आया कि डिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। रिपोर्ट आई है कि डिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ मुझे भी आया, मैं ब्लॉक कर दिया उस लोगों ने जिसने भेजा, मैं ब्लॉक कर दिया। नेगेटिव एनर्जी मुझे मिली। लुक इन रशियन। अच्छा, रशियन में नाम लिखा हुआ है? नहीं, वो तो रशियन में गया ना। नहीं नहीं, वो बोलते हैं नाम भी रशियन में अलग है। मैं रशियन में लखनऊ भी देखना चाहूँगा कैसा लगता है। पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई है और फाइनली हमारी कल से यात्रा शुरू होगी। और काफ़ी कल ही कजाकिस्तान का वीज़ा ख़त्म हो रहा है और कल ही किर्गिस्तान जाएंगे, उसके बाद वापस कजाकिस्तान आएंगे, उसके बाद रशिया जाएंगे अगर रशिया वाले अलाउ करेंगे, फिर मंगोलिया जाएंगे, फिर वापस रशिया आएंगे, फिर वापस कजाकिस्तान आएंगे। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं ये, बट टुगेदर वी कैन एंड वी विल, लाइफ इज़ एन्जॉय। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई का। नीरज भाई को हम नहीं जानते थे पहले और ऐसे काउच सर्फिंग से मिले और मतलब पेल ही दिया मतलब सभी कुछ करा दिया और मतलब इतना ज्यादा सुबह से रात तक, अभी क्या 11 बजने वाला है, सुबह से लगे हुए भाई 9 बजे से हमारे साथ। हमारा हुआ है एंड पॉइंट, और ये पहला दिन है, ओ ये चौथा दिन है, 4 दिन से यही चल रहा है। कौन करता है ऐसे काम हुए सारे, लेकिन हो गया खुशी इस बात की। देखो भाई, कौन करता वो नहीं है, तुम ट्रैवलर हो, मैं चाहता हूँ ट्रैवल करना, तो मैं वो जी रहा हूँ। आज आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ सब कुछ, कल कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी, काम आएगा, चक देंगे फट्टे। बट हाँ, मतलब आई थिंक वेरी हम्बल्ड एंड स्पेशली अब्दुल भाई भी, संकट मोचन हाँ, अब्दुल भाई नहीं कहना है। हमारे आशुतोष गोरे के लुक लाइक राहुल द्रविड़ जैसी पर्सनालिटी वाले। थैंक यू ब्रदर, और मिलते रहेंगे, अभी तो आ ही रहे हैं, बिश्केक भी आ रहे हैं और फिर अलमाती भी आ रहे हैं। चलो, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द मोटरसाइकिल बाइंग एपिसोड। काफ़ी आई डोंट नो कैसा क्या फ्लो होगा इसका, रोज ही कुछ नया हो रहा था, बट फाइनली वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड टुमारो अभी के लिए 10 विदानियाँ। हाँ, अभी के लिए 10 विदानियाँ। प्रॉब्ली सी यू इन किर्गिस्तान, अगर कल वीडियो नहीं बनाया तो। लाइफ इज़ एन्जॉय। और इसी के साथ एक अनजान देश में दो हिंदुस्तानियों की मदद से हमने मोटरसाइकिल खरीद ली, मगर अभी तो पिक्चर बस शुरू हुई थी। 8,000 किलोमीटर की इस जर्नी में हम कवर करेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और मंगोलिया। लाइफ इज़ एन्जॉय।